हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। और आज हम डेफिनेट इंटीग्रल के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। आई इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x। ये अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है CBSE में, तो इसका वेटेज होता है 6 मार्क्स का। और CBSE एग्ज़ाम के लिए ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इंटीग्रल हमने इससे पहले भी देखा है, 0 to π/4 log ऑफ 1 + tan x। ये उसी सीरीज में दूसरा सवाल है। तो आइए हम देखते हैं इस इंटीग्रल को कैसे इंटीग्रेट करें। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी का ज्ञान होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी डेफिनेट की ये कहती है, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(a−x) dx। मतलब x की जगह आपको a−x लिखना है। पिछली अगर डेफिनेट का वीडियो देखा हो आपने मेरा, तो आपको इसका नॉलेज होगा कि x को हमने a−x किस तरह से लिखा था। आप देखते हैं इसमें कि x को a−x कैसे लिखेंगे। तो ये इंटीग्रल होगा आपका i इज इक्वल टू 0 to π/2। आप यहाँ देखिए a कौन है, जो a का काम था वो यहाँ पर π/2 करेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ साइन x की जगह हमें लिखना है a−x, तो हम यहाँ लिखेंगे log ऑफ π/2 − x dx। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की डेफिनेट की। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अगर आप ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को ही लिख के आएंगे अगर एग्ज़ाम में, तो भी आपको हाफ मार्क से लेकर के 1 मार्क तक मिलेंगे। अब आगे देखते हैं हम, 0 to π/2 log of साइन π/2 − x का वैल्यू होता है, आपको मालूम होगा साइन π/2 − x इज cos x इज इक्वल टू। अब हम देखिए इसको देते हैं नंबर 2। एक बहुत मज़ेदार बात है, आप देखिए कि इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 log sin x और 0 to π/2 log cos x दोनों का इंटीग्रल का वैल्यू सेम आएगा। देखिए वो भी किसके बराबर है, i के बराबर। ये भी किसके बराबर है, i के बराबर। इसलिए इसको कहते हैं कि इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू 0 to π/2 log cos x dx इज इक्वल टू इसका वैल्यू। कभी कभी इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, किस तरह से, देखिए 0 to π/2 log sin x dx, 0 to π/2 log cos x dx इज इक्वल टू दिस मच −π/2 log 2। कभी कभी इसको इसके बराबर प्रूव करने को पूछा जा सकता है, कभी इसको और इसको इक्वल प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इसका प्रूफ भी सिमिलर होगा, बस इक्वेशंस इंटरचेंज हो जाएगी। ये पहले नंबर पे आ जाएगी और वो दूसरे नंबर पे आ जाएगी। और जब आप उसको कॉस से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे cos π/2 − x होगा और cos π/2 − x का वैल्यू sin x होता है। तो ये दोनों के लिए काम आएगा। इसको अभी हम बॉक्स में डाल देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखते हैं, अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करिए। 1 + 2, दिस इम्प्लाइज अगर आपने इन दोनों को ऐड किया तो लेफ्ट साइड i + i और राइट साइड होगी आपकी 0 to π/2 log sin x dx प्लस 0 to π/2 log cos x dx। i + i ऑब्वियसली 2i होगा। 0 to π/2 दोनों की लिमिट सेम है, इसलिए लिमिट एक हो गई 0 to π/2। दोनों में ही dx है तो log sin x log cos x dx बाहर। अब आप देखिए log की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। तो उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम, 0 to π/2 log sin x इंटू cos x इंटू, ये डॉट है, डॉट इंटू का काम कर रहा है,
डीएक्स जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है, आप उसको चाहें तो यहां कोट कर सकते हैं, बिकॉज लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम इंटू एन। अब आप आगे बढ़ते हैं, देखिए 2i इज इक्वल टू, इसका पार्ट कर दिया, 0 टू पाई बाय 2 लॉग 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 डीएक्स इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 लॉग, यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया अंदर, अब लॉग आप 2 साइन एक्स कॉस एक्स जानते क्या होता है, साइन 2x, आइडेंटिटी आपको याद होगी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, उस आइडेंटिटी का यहां पर यूज हमने किया है। आइडेंटिटी में चाहे तो आप फिर लिख भी देता हूं, बिकॉज साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लॉग एम अपॉन एन, तो आप इसको लिख पाएंगे 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 dx। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज की है मैं कोट करता हूं, ताकि आपको किसी भी स्टेप को समझने में जरा भी कंफ्यूजन ना हो। लॉग एम माइनस लॉग एन, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड हियर, 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 बिकॉज ऑफ दिस m, यहां पर साइन 2x है, n है 2, और लॉग m अपॉन n कैन बी रिटन एज लॉग m माइनस लॉग n। आगे देखिए, अब हम इन दोनों इंटीग्रल्स को सेपरेट कर देते हैं, 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन 2x dx माइनस 0 टू पाई बाय 2 लॉग 2 dx, दोनों इंटीग्रल्स को हमने सेपरेट कर दिया है। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि ये जो इंटीग्रल है पहला वाला, सॉरी मैंने नीले से लिखा, ये वाला जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल i के इक्वल है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि i को आप गौर से देखें तो यहाँ पर साइन x है और यहाँ पर 2x है, तो ये दिस इज नॉट i राइट नाउ। तो अब हम क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, तो इस इंटीग्रल को 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2x dx माइनस जो दूसरा वाला पार्ट है इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, लॉग 2 इंटीग्रल ऑफ dx x, लॉग 2 बीइंग अ कांस्टेंट कैन कम आउटसाइड, ध्यान दीजिए लॉग 2 इज अ कांस्टेंट, तो लॉग 2 को हम बाहर ले सकते हैं, लॉग 2 बाहर x की लिमिट है 0 टू पाई बाय 2। अब आप देखिए इस इंटीग्रल को मैं i1 नाम देता हूं, लेफ्ट साइड है हमारे पास 2i, इस फर्स्ट इंटीग्रल को मैंने i1 नाम दिया, log 2 बाहर अपर लिमिट x की जगह रखी माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये बनी हमारी इक्वेशन 3। अब आप देखिए कि i1 मैंने किसे कहा है, आप देख सकते हैं कि i1 मैंने कहा है 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2x को, तो यहां मैं इसको कोट करता हूं कि i1 इज 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2x dx। अब आपको इसका थोड़ा प्रोसीजर ध्यान भी रखना होगा
कि कैसे आगे बढ़े, तो इसके लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं कि लेट टी बी इक्वल टू 2x, मान लिया कि टी की वैल्यू 2x है, क्योंकि हम इसको इससे कोरिलेट करना चाहते हैं, यहाँ साइन x है, साइन का एंगल सिंगल है और यहाँ साइन का एंगल डबल है, तो हम डबल से सिंगल में आने की कोशिश करते टी को 2x लिख के। अब आपको जैसा कि मालूम है डेफिनेट इंटीग्रल में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब्स्टिट्यूशन जहाँ भी होगा तो डिफरेंशिएशन होगा पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे उसकी लिमिट चेंज होगी। तो पहले आप डिफरेंशिएट कर दें, डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2, विच एम्प्लाइज डी टी इज इक्वल टू 2 dx, और हमें dx की वैल्यू निकालना है, तो dx होगा dt by 2, मतलब dx जहां लिखा होगा मैं उसकी जगह dt upon 2 लिखूंगा। अब सवाल होता है दूसरा नंबर का कि हमें अभी लिमिट का क्या करना है, तो आप लिमिट देखिए, ये लिमिट किसकी है आप समझ सकते हैं, ये लिमिट है x की, क्योंकि d के अंदर जो लिखा है वो लिमिट है। तो वेन x इज जीरो, जब x जीरो है तो लिमिट इसी से चेंज होगी जहां सब्स्टिट्यूशन होता है, तो सब्स्टिट्यूशन यहां पर है, तो x की जगह जीरो डाल दीजिए, तो x इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 2 × 0 इज जीरो। वेन x इज पाई बाय 2, टी इज इक्वल टू 2 × π/2 पाए, तो पहले लिमिट हुआ करती थी 0 से π/2, नाउ लिमिट्स विल बी 0 to π। देयरफॉर आई वन इज इक्वल टू 0 to π लॉग साइन टी, क्योंकि 2x की जगह क्या लिखेंगे, 2x की जगह लिखेंगे t, तो यहां 2x है, 2x की जगह हमने लिखा t dt बाय 2, वाई बिकॉज dx इज dt बाय 2। अब 1/2 कैन बी टेकन कॉमन, बीइंग अ कांस्टेंट ये कॉमन लिया, लिमिट है 0 से π लॉग साइन t dt, ये हो गया हमारे पास i1। अब हम i1 में भी इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, किस प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी का। तो आप अगर चाहें कि ये प्रॉपर्टी मुझे वापस ना कोट करना पड़े तो आप इसे स्टार मार्क दे सकते हैं, और यहां पे प्रॉपर्टी यूज कीजिए आई वन 1/2 0 to π लॉग साइन पाए माइनस टी डी टी, वहां डी एक्स था तो वहां ए माइनस एक्स हो गया, एक्स ए माइनस एक्स और डी एक्स था, यहां पर टी है तो ए माइनस एक्स की जगह यहां होगा पाए माइनस टी और डी एक्स इज डी टी। अब आपको मालूम होगा कि साइन पाए माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन पाए माइनस थीटा होता है साइन टी, तो ये हो जाएगा साइन पाए माइनस टी साइन टी, तो 1/2 0 to π लॉग ऑफ साइन टी डी टी, लॉग ऑफ साइन टी डी टी। अब आप देख रहे होंगे कि पहले भी वही था 0 to π लॉग साइन टी डी टी, अब भी वही हो गया 0 to π लॉग साइन टी डी टी प्रॉपर्टी लगाने के बाद। तो एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका मैं यहां जिक्र करता हूं, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप देखिए कि क्या कहती है, फिर इसे हम उससे कोरिलेट करेंगे। वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहती है कि 0 to 2a इंटीग्रल fx dx इज इक्वल टू 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू twice
जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ देर इज अ कंडीशन एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स एंड जीरो इफ एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स. तो यहां किस तरह से लग रही है आप समझिए. यहां आप देखिए ये प्रॉपर्टी किस तरह से लग रही है. आपका इंटीग्रल है जीरो टू पाई लॉग साइन टी डी टी. आपने प्रॉपर्टी लगाई. जब हमने यहां प्रॉपर्टी लगाई थी तब हमने पाई को ए माना था. अब हम पाई को टू ए के तरह ट्रीट करेंगे. और आप इस प्रॉपर्टी को देखिए. बड़ी आसान प्रॉपर्टी. मैं आपको याद करने का भी बड़ा आसान तरीका बताऊंगा. आप पहले इस पे फोकस करिए. अगर आपके पास जीरो टू टू ए है तो जीरो टू टू ए का ये मतलब नहीं कि टू का मल्टीपल ही कुछ हो. कुछ भी हो सकता है. अगर हमारे पास जीरो टू पाए है और हमने ये प्रॉपर्टी यूज की एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, मतलब एक्स की जगह ये टू ए है. यहां आप देखिए एक्स की जगह क्या लिखा है हमने, टू ए माइनस एक्स. यहां पर एक्स की जगह क्या था, पाए था. सॉरी, टू ए की जगह क्या था, पाए था. तो हमने यूज किया इसमें पाए माइनस टी. यानी आप समझिए कि मैंने इसमें यूज किया है टू ए माइनस टी. जैसे एक्स यहां पे देखिए, यहां पर क्या है, पाए है. यहां पर हमारे पास क्या लिमिट है, टू ए. तो हमने अगर इस प्रॉपर्टी को मुझे लगाना हो तो एक्स की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स की जगह मुझे लिखना पड़ेगा टू ए माइनस एक्स. तो यहां पर 2a की जगह पाए है तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर 2a माइनस टी. 2a माइनस टी कौन बनेगा हमारा, पाए माइनस टी. तो 2a पाए हो सकता है, 2a पाए बाय 2 हो सकता है, 2a 2 पाए हो सकता है, 2a 4 पाए हो सकता है, 2a 6 पाए हो सकता है, 2a कोई नंबर भी हो सकता है, 3 4 5 6 पॉइंट में भी हो सकता है. तो अभी हमारा इस केस में, इस केस में 2a क्या है, इस केस में हमारा 2a है पाए. लेकिन जब मैंने इस को यहां पे आपको कहा था कि प्रॉपर्टी लगाइए और x की जगह आप लिखिए a माइनस टी, तो आपने लिखा पाई माइनस टी. तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो ना, घबराएं, क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा डेफिनेट का, उसमें जो मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी उस प्रॉपर्टी का बार 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 यूज होता रहेगा. तो उस बार बार यूज होने में आपके हाथ में दिमाग में फ्रिक्वेंटली ये प्रॉपर्टी होगी, कौन सी, कि x की जगह मुझे क्या लिखना है, a माइनस टी. तो आपने x की जगह क्या लिख दिया, पाई माइनस टी. सॉरी, x की जगह आप a माइनस एक्स लिखेंगे, यहां पे t है तो t की जगह लिखेंगे आप पाई माइनस टी. तो आपने इस प्रॉपर्टी को लिख दिया. अब आप देखिए, तो उस प्रॉपर्टी को लगाया और अगर आपका ये फंक्शन रिपीट हो गया, ये देखिए आप यहां रिपीट हुआ, तो आप फिर इस प्रॉपर्टी पे आ जाए. रिपीट होने में आप इस प्रॉपर्टी को समझें कि अगर आप x की जगह जो भी लिमिट है, यहां पे लिमिट क्या है, 2a, तो आपने x की जगह क्या लिख दिया, यहां पर 2a माइनस एक्स. तो हमने लिख दिया पाई माइनस टी. अगर फंक्शन आपका फिर से रिपीट हो गया, अगर वो वापस एफ एक्स बनता है, एफ एक्स इस केस में कौन है, एफ एक्स है आपका ये पोर्शन, इसको आप एफ एक्स और यहां पर एफ ऑफ टी कह रहे हैं. आपका फंक्शन अगर रिपीट हो जाता है तो रिपीट होने में ये प्रॉपर्टी, या बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, माइंड इट, अगर ये रिपीट हो जाता है तो आपका इंटीग्रल डबल हो जाएगा और एग्जिस्टिंग लिमिट जीरो टू टू थी, टू ए थी, तो वो हो जाएगी जीरो टू टू ए का हाफ. तो आपका इंटीग्रल इस तरह से बनेगा. देखते हैं हम इंटीग्रल क्या होगा. आपका इंटीग्रल हो जाएगा आई वन इज इक्वल टू, देखिए आई वन इज इक्वल टू, आप ये देख रहे हैं आई वन इज इक्वल टू, आई वन इज इक्वल टू हो गया आपका वन बाय टू इज ऑलरेडी देर. अब इंटीग्रल में ये इंटीग्रल हुआ आपका डबल, लिमिट हो गई. अभी आपकी लिमिट आप देख रहे हैं जीरो टू पाए थी, ये प्रॉपर्टी लगने से क्या हो जाएगी, जीरो टू टू ए का आधा जीरो टू ए, तो इसका आधा हो जाएगा जीरो टू पाए बाय टू लॉग
साइन टी डी टी, टू टू कैंसिल, जीरो टू पाई बाय टू, लॉग साइन टी डी टी। अब डेफिनेट इंटीग्रल की एक और अच्छी प्रॉपर्टी है कि डेफिनेट इंटीग्रल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स। डेफिनेट इंटीग्रल कभी भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करते। इसको मैं ब्लू से कोट करता हूं आपको, बिकॉज इंटीग्रल कोई भी लिमिट हो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, एक्स की जगह आपने टी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सेम होना? करस्पॉन्डेंस होना, दोनों लिमिट्स सेम होना, लोअर दोनों अपर लिमिट्स सेम होना, एफ ऑफ फंक्शन वही होना जो पहले फंक्शन था। अगर आप इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ए टू बी एफ ऑफ जेड डी जेड, एफ ऑफ ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स। तो इसलिए आप इस इंटीग्रल को लिख पाएंगे जीरो टू पाई बाय टू। अब हम चाहते हैं यहाँ पर लॉग टी की जगह एक्स आए, तो हो जाएगा लॉग साइन एक्स डी एक्स, और हमने ये प्रॉपर्टी पहले कोट कर दिए, तब इसके नीचे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं कोट करते तो आप लिख सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। अब आप ध्यान दीजिए, इक्वेशन वन क्या कहती थी? इक्वेशन वन जिसको हमने कहा था, वो इक्वेशन वन थी जीरो टू पाई बाय टू लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो आई वन क्या बना हमारा? आई वन हो गया आई के बराबर। क्यों? तो हमने उसका यूज किया फ्रॉम वन, यूजिंग वन, जो वन नंबर जिसको हमने दिया था, आप देख सकते हैं जीरो टू पाई बाय टू लॉग साइन एक्स डी एक्स वॉज आई। तो आई वन की वैल्यू कितनी है? आई वन की वैल्यू किसके बराबर हो गई? आई के बराबर हो गई। नाउ अब हमने इसको कहाँ छोड़ा था, आप देख सकते हैं, अब हमने इसको छोड़ा था नंबर तीन पे, तो ये वैल्यू हमारी जाएगी आई वन की तीन पर। तो नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ आई वन इन थ्री, तो ये क्या होगा? ये बनेगा टू आई इज इक्वल टू, आई वन की जगह आएगा आई इज इक्वल टू सॉरी माइनस लॉग टू इंटू पाई बाय टू, टू आई, और इस आई को हम लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा टू आई माइनस आई माइनस पाई बाय टू, शुरू में लिख दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, टू से टू कैंसिल नहीं होगा, टू आई माइनस आई इज आई, दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू लॉग टू। बेस इसका ई है, कुछ लोग इसको ln भी लिखते हैं, ln, आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, माइनस पाई बाय टू ln टू नेचुरल लॉग, जिसको ln ln पढ़ते हैं। आई आई की वैल्यू कितनी है? तो आई नंबर वन से आप सक देखा होगा आपने कि नंबर वन में लिखा था जीरो टू पाई बाय टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, और वही है नंबर टू से जीरो टू पाई बाय टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स। इस तरह से ये इंटीग्रल आपका आ गया जीरो टू पाई बाय टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, जीरो टू पाई बाय टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स, एंड वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज माइनस पाई बाय टू लॉग टू और ln टू और ln टू। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल था। इस इंटीग्रल की सबसे खास बात है कि इस इंटीग्रल में कई प्रॉपर्टीज लगती हैं, कुछ ध्यान भी रखना पड़ता है और कुछ प्रोसीजर अच्छे से समझना पड़ता है।
खास तौर में इस प्रॉपर्टी को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत उम्दा प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी एग्ज़ाम में आता है, एक बार इस तरह की प्रॉपर्टी का प्रूफ एग्ज़ाम में आ भी चुका है। इसे हम और अगले वीडियो में इस प्रॉपर्टी का प्रूफ करेंगे, आप समझेंगे ये प्रॉपर्टी किस तरह से प्रूव होती है और आप एन्जॉय कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझा होगा और अपने दिमाग में बेहतर ढंग से बिठाया होगा। आप किसी भी जगह अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप अपने किसी भी प्रकार के सजेशन को और वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के जो भी आपके तरीके हों या जो आप बेहतर समझते हैं, मुझे एज अ फ्रेंड बताएं। और नेवर माइंड फॉर एनीथिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर।